आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अब राजधानी की नई सीएम आतिशी। इस बात को ध्यान में रखते हुए पूर्व सीएम के लिए दिल्ली में आवास की तलाश तेज कर दी गई है। बताया जा रहा है आप प्रमुख बहुत जल्द सीएम आवास खाली कर देंगे। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से उन्हें आवास अलॉट करने की मांग की थी और इसको लेकर अभी तक केंद्र की ओर से कोई जवाब पूर्व सीएम को नहीं मिला। अब दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास को लेकर खबर यह है कि पार्टी के कई विधायक, पार्षद, पार्टी कार्यकर्ता और आम नागरिक अपनी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उन्हें घर की पेशकश कर रहे हैं। उनके पास जो विकल्प सामने आए उसमें ज्यादातर नई दिल्ली एरिया के बाहर के हैं। अरविंद केजरीवाल अपने निर्वाचन क्षेत्र नई दिल्ली के आसपास ही रहने को प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े रहें। फिलहाल पूर्व सीएम कहां रहेंगे यह अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन कहा जा रहा है वो जल्द ही कोई ठिकाना तय कर लेंगे। इससे पहले आप सांसद संजय सिंह ने 18 सितंबर को कहा था आप नेता केजरीवाल कुछ हफ्ते में सरकारी आवास को खाली कर देंगे। सीएम के तौर पर अरविंद केजरीवाल को बहुत सी सुविधाएं मिली हुई हैं, लेकिन इस्तीफा देते ही उन्होंने कह दिया था कि वो सारी सरकारी सुविधाएं छोड़ देंगे। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देते वक्त उन्होंने कहा था कुछ लोग उनकी ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं, इसलिए मैं सीएम की कुर्सी पर तब नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली की जनता दोबारा उन्हें चुनकर ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं दे देती। इसके अपने एक बयान में उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव में यह सोचकर वोट देना कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है।